पहले मैं ले चलता हूँ उस पानी वाले स्रोत में जहाँ से हम गांव से यहाँ पर पानी भरने आते थे, नहाने धोने के लिए आते थे। तो सबसे पहले मैं उस इलाके में आपको ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पानी इन लोगों ने पैप लगा रखा है नीचे मकान। अभी दिखाऊंगा जो मकान इन लोगों ने यहाँ पर मकान उन्होंने यहाँ पर अपना पानी लगा रखा है। आगे उस पेड़ के नजदीक ही देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजन रावत फ्रॉम पौड़ी, स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। पहले यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर माहौल था, कितने यहाँ पर खेती लोग करते थे, अब उन खेतों में लोगों ने कितने मकान बना दिए हैं। और हम गांव से यहाँ पर कभी जब हमारे गांव के जो पानी का स्रोत था वो सूख जाता था तो हम गांव का पानी भरने के लिए इतनी दूर आते थे। तो आज यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर बस गए हैं, आइए मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा कोहरा लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए पूरा, क्योंकि सुबह यहाँ पर भारी बारिश आई थी तो मौसम खुलने का भी चांसेस नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश थमी हुई तो आज ले चलता हूँ मैं उन वादियों में। पहले मैं ले चलता हूँ उस पानी वाले स्रोत में जहाँ से हम गांव से यहाँ पर पानी भरने आते थे, नहाने धोने के लिए आते थे। तो सबसे पहले मैं उस इलाके में आपको ले जाता हूँ। ये रोड से तकरीबन 100 मीटर नीचे है जहाँ पर पानी का स्रोत है, और अभी शायद उसी स्रोत को गांव वाले यूज करते होंगे कि नहीं करते होंगे ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, काफ़ी घने बाएँ, ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी घनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। मैदान भी देखिए यहाँ पर कितनी हरी घास हो रही है देखिए, लेकिन बरसात के साथ एक अलग सी खुशबू आती है। छोटा सा सोर देखे पहाड़ों में यही होता है, जब बारिश आती है तो पानी से ये छुए बोलते हैं जिनको। ये मैं आ गया हूँ पानी के धार के पास, ये देखिए यहाँ पर ये पानी इन लोगों ने पैप लगा रखा है नीचे मकान। अभी दिखाऊंगा जो मकान इन लोगों ने यहाँ पर मकान उन्होंने यहाँ पर अपना पानी लगा रखा है, क्योंकि पानी व्यर्थ ना जाए इसलिए उन्होंने यूज कर रखा है। ये देखिए इन्होंने पैप से यह पानी लगा रखा अपने घर में। यही तो पहाड़ों की अलग सी खूबसूरती है कि पहाड़ के अंदर से पानी का स्रोत अपने आप खुद निकल जाता है बरसात आती है। तो ये जो पानी का इलाका है दोस्तों ये परमानेंट यहाँ पर आता है पानी, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो कुछ हो, ये पानी इतना ही रहता है, ये घटता नहीं है। तो आप इसका चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं कितनी हरी भरी झाड़ियाँ हो रही थी यहाँ पर। तो हम जो ये रास्ता दिखा रहे हैं दोस्तों ये वाला, तो यहाँ से देख रहे हैं आप यहाँ पर बनी हुई हल्की सी पगडंडी बनी हुई है जैसे चाय पत्ती के बगान के जैसे, जहाँ से हम आते थे पानी के लिए। तो यहाँ पर से आते के बाद हम यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर अपने कपड़े कुपड़े रखते थे नहाने धोने के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर जो दामन है ये देखिए यहाँ पर हल्का सा, तो यहाँ पर हम क्या करते नहा धो के अपने आप को सुखाते थे और कपड़ों को। ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये झाड़ियाँ सी हल्की सी है, ये बड़ी अब तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ इन्होंने पहले काटी भी होंगी। तो यहाँ पर हम नहाने के लिए आते थे, और अभी आज दोस्तों यहाँ पर आज कोहरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब व्यू नहीं दिख पा रहा है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। सुना था कि रीठा का एक पेड़ होता था, मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ तो कभी हम वहाँ से रीठा घर ले जाते थे सुखा के उनको नहाने के लिए, जब हमारे पास साबुन नहीं हुआ करती थी तो हम उसी से यहाँ पर अपने नहाते धोते थे उसी मरीठा के से, जब हम उसको सुखा के कूट के और पीस के मतलब अपने सर पे या बदन पे पूरा लगा के नहाते थे यहाँ पर। तो ये हमारे गांव के जो खेती में यहाँ पर जिन लोगों ने अपने खेत बेच दिए, इन लोगों ने मकान बना दिए, देखिए यहाँ पर ये मकान ये वाले, तो यहाँ पर 2-4 मकान है जहाँ पर एक गाय चल रही है देखिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे खेत थे जब कभी हम भी यहाँ पर हल वल लगाते थे, आज पूरे बंजर पड़ गए क्योंकि यहाँ पर खेती में इतना हो नहीं पाता है क्योंकि हल लगाने वाला मिलता नहीं है। तो आज पूरे खेत बंजर पड़ गए हैं, आप देखिए यहाँ पर जितनी भी आप बस्ती देख रहे हैं यहाँ पर ये मकान देख रहे हैं ये पूरे खेत लोग अपनी खेती करते थे यहाँ पर, और आज लोगों ने पूरी यहाँ पर बेच दिए हैं क्योंकि कोई बाहर बस गया है कोई कहीं बस गया है, तो ये मकान मतलब खेत बेच कर इन्होंने अब खेत बेच दिए हैं यहाँ पर। तो जो ये आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो ये पानी के जो नल देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, ये देखो दोस्तों ये हमारा खेत है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग गाय भी चल रही थी यहाँ पर, मैंने आपको देखा ये देखिए। तो अब ऐसी यहाँ पर लोग गांव के लोगों ने खेती छोड़ दी है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना कोहरा लगे दोस्तों, पूरा कोहरा, बारिश आने की फिर संभावना है यहाँ पर। तो ले चलता हूँ मैं पहले उस पेड़ की तरफ जहाँ पर हम
मतलब चोरी करके वो रेठा लेते थे, लेकिन आज वहाँ पर कोई घर वाला, एक घर पुराना घर है अभी भी, तो आज मुझे वहाँ पर कुछ मोमेंट दिखी कि शायद उस घर में कोई रह रहा है, तो शायद अब कौन है अब वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी चलता गया हूँ उस पेड़ के नज़दीक, ये देखिए कि पेड़ एक अलग पेड़ है इस एरिया में, ये कहीं नहीं, इसको बोलते हैं रेठे का पेड़। अभी नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, तो इसकी मैं भी वो दिखाता हूँ रीठा जिससे कि साबुन बनता है। तो ये घर है वो जिस घर में कोई रहता नहीं था, देखिए आप कितना पुराना मकान है, लेकिन आज शायद इस मकान में कोई रह रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर से देखा रोड से तो कुछ मूवमेंट है, देखिए यहाँ पर, तो अभी नीचे जाके पता चलेगा कि कौन लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इस पेड़ के नज़दीक मैं आपको ले जाता हूँ, पहले आंटी जी यहाँ पर आए हैं, तो आंटी जी पूछता हूँ मैं, तो आंटी जी लोग बोलेंगे 22 साल से रह रहे थे, मैं तो देखा नहीं, जब हम स्कूल पढ़ते थे यहाँ पर तो आंटी जी वाले पर भारत थे, तो अब आ गए यहाँ पर, तो 22 साल इन आंटी जी को हो गया। और आंटी जी इस पेड़ को कितने साल हो गए, इस वाले रेठा का पेड़ को? हाँ जी हाँ जी, बहुत पुराना पेड़ चुका लगभग। अच्छा तो रेठा का पेड़ बोलते हैं इसको? हाँ। अच्छा तो आप अकेले रहते हैं यहाँ पर, और कोई भी रहता है? परिवार है। अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो आप तो डॉल लग दी जन अकेले छा भी देन जरूर पूरी झाड़े झाड़े ये बाग है डॉल ना फिर भी तुम आप जो घर छ ना, तो आप घर अगल बगल में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगन, दीवार वगैरह देखो पूरा खाली है, मतलब कितनी बड़ी ऊपर वाले कितनी बड़ी दया हुई है, बच्चे भी यही पढ़े यही बड़े यही पढ़ के अब बाहर नौकरी कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा खुशल से है, राजखुशी है भाई। अच्छा हमारा कुछ भी नहीं है ऊपर वाले, पर आंटी जी घर पता एक अलग से ऐसा लगता है जो तो ढैबरा टाइप हो भी ना आंटी जी, वो जो नहीं मकान। अच्छा ये ढैबरा जन ना है लकड़ी मकान से नहीं हो? अच्छा हाँ, ये ढैबरे की खिड़की से नहीं हो? यो 100 साल पुराना मकान, तो मानना पड़ेगा भैया, बाप रे बाप, सलूट करते हैं हम। आज भी मकान बिल्कुल जैसे कहते हैं जब हम छोटे थे तभी मैंने ऐसे देखा, आज भी ऐसे ही है। हाँ जी, इतनी मोटी दीवार। तो देखिए दोस्तों ये है रीठा, जो रीठे के दाने, तो इससे हम सुखा के इसके साबुन बना करते थे। तो ये देखिए आज मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तो पेड़ में लगे हुए हैं, तो पेड़ काफी हाइट है इसी, तो इसको बोलते हैं रीठा। तो मैं पेड़ भी दिखा देता हूँ कि इसका कितना खूबसूरत पेड़ है, ये पेड़ देखिए काफी ऊपर तक जा रखा है पेड़, ये देखिए। तो इसमें अभी रीठे लगे हुए हैं लेकिन अभी पके नहीं हैं, अभी हरे हरे हैं। तो यही एक अकेला पेड़ है दोस्तों, ये लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक कहीं इस पेड़ का कहीं नामो निशान है, ये अलग सा इस पेड़ को भी तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि आंटी जी से अभी पूछा हमने, वो कहते हैं कि इस पेड़ को भी 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बाघ का खतरा भी है, देखिए यहाँ पर कितनी हरी भरी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो बाघ इन झाड़ियों में छुप सकता है, क्योंकि एक बार आंटी जी ने देखा था यहाँ पर बाघ, तो देखिए यहाँ पर इनके लिए काफ़ी खतरा यहाँ पर बना हुआ है, तो फिर भी इन लोगों को आंटी लोगों को डर नहीं लगती क्योंकि अब उनको आदत पड़ गई है। तो ये मशीन की ज़मीन है, तो यहाँ पर ये इसमें कुछ अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जब सरकार इनको ऑर्डर देगी कि जो यहाँ पर सर्वेंट मतलब जो अभी एक्चुअल नौकरी हैं जो प्रेजेंट में, तो वही यहाँ पर इस घर में रह सकते हैं, बट ऑफ कोर्स बाकी यहाँ पर नहीं रह सकते। देखिए मकान भी देखो 100 साल इस मकान को भी हो गए हैं, ये जैसा का तैसा मकान है, इस मकान को भी ये मेंटेनेंस नहीं कर सकते जब तक कि इनको मिशन ऑर्डर नहीं देता है। ये एरिया काफ़ी डेंजर है क्योंकि यहाँ पर कोई नीचे बस्ती नहीं है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ ये वाला, तो यहाँ पर भी बाघ का खतरा ज़्यादा है, जो यहाँ पर चीते होते हैं यहाँ पर उनका खतरा है, क्योंकि वो आदमी को देखते ही झपट जाएंगे। तो बारिश आने की संभावना हो चुकी है, छींटे पड़ने लगे हैं, तो अब चलता हूँ घर की तरफ। कि हम गांव से किस तरह यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर जब पानी का सोर्स हो जाता हमारे गांव में तो हम यहाँ नहाने धोने के लिए यहाँ पर आते थे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ये पीछे, तो ये मेरे प्राइमरी स्कूल के लिए है, जो गडोली की प्राइमरी स्कूल है, जो मिशन की स्कूल है, और हम यहाँ पर पढ़ते थे। तो आज यहाँ पर आके मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।